हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी भोजनशाला में। आज मैं अपनी भोजनशाला में बनाने जा रही हूँ मसाला स्वीट कॉर्न। ये सभी को बहुत पसंद आएगा, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी उबले हुए स्वीट कॉर्न के दाने, एक नींबू, इसका हम रस निकालेंगे, थोड़े से हरे धनिए की पत्ती। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कॉर्न को फ्राई करने के लिए एक चम्मच घी लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दिया है, घी को हम गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डाल देते हैं। आप घी की जगह बटर का यूज भी कर सकते हो। जीरा हल्का भून जाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्ची भी ले सकते हो। अब हम डाल देंगे उबले हुए स्वीट कॉर्न के दाने, इन्हें मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे हम नमक। चाट मसाला भी डाल देते हैं। नमक की मात्रा हमें कम ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ चाट मसाला डाला है तो उसमें भी नमक होता है। अब हम नींबू का रस डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालेंगे हम इसमें हरे धनिए की पत्ती, इन्हें भी मिक्स कर देंगे। और बस गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए, गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न बन करके तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी हरे धनिए की पत्ती और डाल देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।